ओके गाइस, तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एलन की के सेट को, जो कि मैंने पास के ही एक स्टोर से ख़रीदा हुआ था। मैंने इसे ऑनलाइन इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि ये मुझे ऑनलाइन भी 190 रुपीज़ का ही पड़ रहा था, और उससे सस्ता मुझे कोई मिला नहीं, और यहाँ भी मुझे 190 का ही मिला, तो इसलिए मैंने इसे पास की शॉप से ही ले लिया। आप देख सकते हो ये एक 9 पीस सेट है, मल्टी टेक कंपनी की तरफ से है, जो कि आईएसओ 9000 और 2008 सर्टिफाइड कंपनी है। और ये जो है, इसमें 9 पीस में 1.5 mm से लेकर 10 mm तक का पूरा एक सेट है, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिटी टूल्स लिखा हुआ है। बाकी बैक साइड की बात करें तो इसने इनके पूरी रेंज दे रखी है, कौन कौन से स्क्रू ये खोल सकता है, एलन स्क्रू, और कौन कौन से ग्रब स्क्रू ये ओपन कर सकता है। बाकी बात करें इसके मटेरियल की, तो इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। ये एलॉय स्टील से बना हुआ है, जो कि काफ़ी मजबूत है। प्लस इसकी जो हार्डनेस इसने यहाँ पर लिखी है, 58 to 60 HRC लिखा हुआ है, तो ये जो है आसानी से डिफॉर्म भी नहीं होगा, क्योंकि हमें इसे स्क्रू वगैरह ओपन करने होते हैं, की जो एलन स्क्रू जो होते हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि ख़राब ना हो, क्योंकि आप अगर लो और फिर उसकी एजेज जो हैं वो ख़राब होने लगे जल्दी जल्दी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और ये शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि ये आईएसओ कंपनी है, और जहाँ तक ये इंडियन कंपनी ही है, ये चाइनीज़ से लाख गुना बेटर कंपनी मुझे लगी, क्योंकि मैं कुछ ऑनलाइन देख रहा था, उसके मैंने रिव्यू वगैरह भी पढ़े थे। इससे पहले भी मेरे पास एक एलएनकी का सेट था, तो चलो इसे एक बार ओपन कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से ओपन हो जा रहा है। तो ये है वो सेट, ये जो होल्डर इसके साथ में दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी, इस तरीके से इसको आप पूरा सेट ये खिसका भी सकते हो, और अगर चाहो तो ये पूरा बाहर भी आ जाता है। बस इसको आप अलग रख सकते हो और इसको आप अलग रख सकते हो, तो ये उस चीज़ के लिए ठीक है। बाकी दिखने के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है, ये देखो ऐसे टांगा जा सकता है इसको, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा पॉलिश किए हुए कीज हैं। ये है 10 mm वाली, फिर ये उससे नीचे 9, 8, इस तरीके से कीज हैं ये सारी। और इन्हें रखने का तरीका भी इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि कई बार आपको कीज तो मिल जाते हैं लेकिन इस टाइप का होल्डर नहीं मिलता है, और बाद में कीज जो है वो मिसप्लेस हो जाती हैं। और जहाँ तक यार मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ इसकी, तो ये मुझे बहुत ही सही लगा, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे सच में लग रहा है कि हाँ अच्छी है, और ये आसानी से ख़राब होने वाली भी मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, एक तो इसका मटेरियल अच्छा है, प्लस इसके बाहर से आप देख सकते हो ये है पूरा सेट और ये है इसका होल्डर, ठीक है। जहाँ तक बात करें इस होल्डर की, तो इसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ड्यूरेबल है, ठीक है। और यहाँ पर टांगने के लिए, स्क्रू लगाने के लिए भी बना हुआ है। और एलन की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो ये की जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हैं, इनके बाहर से पेंट भी किया हुआ है, एक बहुत ही फाइन कोटिंग रहती है, ताकि आसानी से इसमें कोरोजन वगैरह ना हो। तो बाकी जहाँ तक लंबे टाइम यूज़ की बात है, तो वो तो मैं इनको 2-4 महीने, 8-10 महीने यूज़ करने के बाद ही देखूँगा कैसा है, पर अभी तक के हिसाब से जो है मुझे काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट लगा हुआ है, और अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। 190 रुपीज़ का है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।